हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान कौचाली है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम हर वक्त हर टाइम अपनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हो तो अपने माँ बाप के साथ कैसे कम्युनिकेट करो, अपने स्कूल टीचर के साथ में कैसे कम्युनिकेट करो। अगर आप जवान हैं तो आप इंटरव्यू जाते वक्त किस तरह से अपना इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं बाय योर गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी को प्रपोज करना है तो हाउ यू कैन डू द बेस्ट प्रपोजल। फाइन, अगर आप बिजनेस करते हो तो हाउ यू आर गोइंग टू टॉक विथ योर कस्टमर, विथ योर एम्प्लॉई, विथ योर सप्लायर। तो कम्युनिकेशन हर जगह पे आपको फायदा ही देगा। अगर आपके पास में अच्छा कम्युनिकेशन है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम लाइफ में कभी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते कुछ और हैं और सामने वाला समझता कुछ और है। इसलिए हमें अपना कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव रखना है कि जो भी हम बोले वो सामने वाला क्या करे, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करे। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मिस्टर इरफान कौचाली, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो मैं क्या लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूं? तो मेरा उसको एक ही जवाब है कि हम कभी भी कुछ चीज बाय बर्थ सीखे नहीं आते हैं। ठीक है, हम को कुछ चीजें सिचुएशन सिखाती है, कुछ हमारी एजुकेशन सिखाती है, कोई हमारा एनवायरमेंट सिखाता है। तो वैसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई बड़ा ऐसा कोई तोप का गोला नहीं कि हम उसको सीख नहीं सकते हैं। अगर हमको उसको सीखना है तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं नर्वस हो जाता हूं किसी लोगों के सामने बात करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं कैमरा देखता हूं तो मैं नर्वस फील करता हूं। यानी बहुत सारे लोगों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए आपको करना क्या होगा। कि अगर मैं एक से बात कर रहा हूं, मैं ग्रुप से बात कर रहा हूं, मैं अपनी कोई सभा ले रहा हूं, या मैं काफी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, या मेरी टीम से बात कर रहा हूं, या मैं मेरे बॉस से बात कर रहा हूं, तो मेरा कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होना चाहिए? तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसी के ऊपर डिस्कस करने आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो वो लैंग्वेज पे आपको मास्टरी होनी चाहिए। चाहे आप उसको इंग्लिश इस्तेमाल करो, चाहे हिंदी इस्तेमाल करो, चाहे आपकी कोई लोकल लैंग्वेज जैसे कि मराठी हमारे महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज में आप कमांड रखते हो उस लैंग्वेज को आप अच्छे तरीके से बात कर सको, आपकी वॉइस क्लियर हो, आपका कंटेंट आपको पता हो कि मैं क्या बात करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें जब क्लियर होती दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड होता है आपका टेम्पो, है ना। कुछ लोगों का टेम्पो बहुत हाई होता है, कुछ लोगों का टेम्पो बहुत लो होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस लोगों से बात कर रहे हो। आप बड़े जनसमूह में बात कर रहे हो और टेम्पो लो रखे हो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप अकेले से बात कर रहे हो, चिल्ला के बात कर रहे हो, तो अगेन यू आर नॉट गोइंग विद अ प्रॉपर टेम्पो। तो आपका टेम्पो भी ठीक होना चाहिए, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए कि आप अपने वॉइस को कहां पे आपको उसको चढ़ा के बोलना है, कहां उसको आप इमोशनली बोलना है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ठीक है आपने ये तो हमें समझा दिया लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। तो मैं उनको एक ही चीज बताऊंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इवन वुमन टू। ठीक है, तो वेन एवर यू विल डू द प्रैक्टिस, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करो, बात करने नहीं आता है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर अपने घर पे, है ना, सभी के पास में आईना होता है, होप सो, नहीं है तो खरीद लीजिए और एक मिरर के सामने खड़े रहिए और बातें करने लगे। जैसे आप बात करोगे मिरर के सामने खड़े रह के, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। जो आप अपने टीम के साथ बात करने वाले हैं वही रियर्स कीजिए कि मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं कैसे बात करूंगा, मैं उनको क्या समझाने वाला हूं। टॉक विद योरसेल्फ, है ना, अपने आप को अच्छा दोस्त बनाइए। अपने फिर अपने आप को क्रिटिक्स कीजिए, नहीं मुझे यहां ऐसे नहीं बात करना चाहिए था, मुझे वहां वैसे बात करनी चाहिए थी। तो इस तरह से बहुत से लोग बोलते हैं मैं वैसे भी करता हूं लेकिन वो इंसान है वो बहुत अच्छा बात करता है, वो इंसान है वो काफी अच्छा बात करता है। तो आप लोगों को सुना करो कि वो लोग जब लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका बातचीत करने का तरीका कैसे होता है, वो कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, वो कैसे अपने आप को बताते हैं, वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने रखते हैं, वो कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, है ना। काफी सारे मेरे दोस्त हैं जो मार्केटिंग में काम करते हैं और बोलते हैं कि सर हम मार्केटिंग में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हम जाके सेल नहीं कर पाते। तो हमेशा उनको मैं बोलता हूं कि लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, डोंट सेल, ठीक है, मेक देम अंडरस्टैंड। उनको बताओ कि आप होने से उनके लाइफ में क्या बेटर हो सकता है। अगर आपका फ्रेंड है तो उसको एक्सप्लेन करो योर इंपॉर्टेंस, अगर आपका प्रोडक्ट है तो एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस। जब आप अपना इंपॉर्टेंस और प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस लोगों को बताओगे तो ही लोग आपको समझ सकेंगे। फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं, जैसे कि
रीड करना स्टार्ट करो। आप जिस टॉपिक में आप काम करते हो उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, उसको सर्च करो, उसको रीड करो, ताकि आपका वर्ड बैंक बढ़ेगा, आपका कंटेंट बढ़ेगा, आपका स्क्रिप्ट बढ़ेगा। तो ये जब चीजें आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप बात करते वक्त आपके पास में वो चीजें होगी जो आपको हेल्प आउट करेगी अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी द वीडियोज। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मेरा ही वीडियो हो गया यूट्यूब पे, और सर्च कर सकते हो, बहुत सारे और वीडियोज है जो आपको एक्सप्लेन करते हैं। और हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस आप खुद ही गेन कर सकते हो, है ना। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है, मुझे जिम जाना है, ठीक है, और मैं इतनी फीस भरूंगा, मैं इतने अच्छे ड्रेस खरीदूंगा, मेरा उसको एक ही आंसर होता है, कितने भी अच्छे आप फीस भर दीजिए, कितने भी अच्छे आप कपड़े पहन लीजिए, बट अगर आपको अपने मसल्स ग्रो करने हैं तो आप ही खुद को पुश करना पड़ेगा। व्हेन यू विल पुश योर सेल्फ हार्डर, देन ओनली आपके मसल ब्रेक होंगे, देन ओनली आपकी बॉडी बनेगी। वैसे ही कॉन्फिडेंस भी जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अपने बॉस के सामने जाके फंबल मारते हो, जैसे आप अदर जेंडर के पास जाते हो, लड़की है लड़कों के पास जाके बात करती है, लड़के है लड़कियों के पास जाके बात करते हैं, तो वो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त में आपको कोशिश करनी है, जैसे हमने एक यूजीटी हमारा उद्योग गुरु ट्रेनर कोर्स है, उस वक्त बहुत से लड़के थे जो लड़कियों से बात करते हुए काफी नर्वस होते थे। तो स्टार्ट फ्रॉम योर होम, है ना, आपकी सिस्टर्स होगी उनके साथ बात करना शुरू करो, है ना, उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करो, टॉक विद देम, तो ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस होगा। फिर सिस्टर्स की फ्रेंड्स होगी, उनके साथ में बात कीजिए, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर प्रोफेशनल लाइफ। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं ड्यू टू दिस थिंग ओनली कि दे कांट टॉक विद द अदर जेंडर्स, ठीक है। और अगर अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है तो अपने आप को रोज आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैं कल क्या था और आज मैं कैसा हूं, ठीक है। जब आप इवैल्यूएशन करोगे, जब खुद को आप कैलकुलेट करोगे कि मैंने इतना अपने आप को बेटर किया है, मुझे और इतना अपने आप को बेटर करना है, तो ही डेफिनेटली आप जाके विन होगे, तभी जाके आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली बनेगा। जो आप बोलोगे वो लोगों को समझेगा और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, फिर आपको प्रमोशन मिलेगी, अगर आप बिजनेस में है तो आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो हर चीज की जो शुरुआत होती है और एंड होता है, दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन ओनली, फाइन। जैसे कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का होना जरूरी है, मैं हमेशा उनको बोलता हूं नहीं, एक गूंगा इंसान है वो भी लोगों को कम्युनिकेट करता है बाय हिज पोस्चर, गेस्चर, हिज एक्सप्रेशन, ठीक है। आप किसी से न बात करते हुए भी अगर अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचा पाते हो तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। और डेफिनेटली अगर ऊपर वाले ने हमको जबान दी है एंड इफ वी स्पीक वेल, तो डेफिनेटली हम और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है मेहनत करना। डू हार्डवर्क, डेफिनेटली हार्डवर्क विल पे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, मेरा चैनल है इरफान कौचाली, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो मिले।